राउंड फिगर आप करोड़ के हिसाब का बिजनेस करते हैं? ये सर मामूली सी बात है, आजकल आजकल करोड़ रुपए मामूली सी बात है, इतना बिजनेस आप कर लेते हो। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं सीमावर्ती के निकट यानी पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक फजिलका। फजिलका में यह डेयरी फार्म है, सिर्फ गाय हैं, सारी गायें लगभग 35, 40, 45 लीटर मतलब हाई मिल्किंग काउज है। कैसे इनकी फीडिंग मैनेजमेंट है, कैसे जो यहाँ के ऑनर हैं इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, और जैसे अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो यहाँ के ऑनर है वो साइलेज भी बनाते हैं और बेचते हैं, तो उनके बारे में सारा कुछ, डेयरी फार्म के बारे में और उनके साइलेज बिजनेस के बारे में सारा कुछ अच्छे से डीपली समझते हैं। किसान साथियों, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आए। आइए किसान साथियों, शुरू करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन अपने। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना नाम और अपने डेयरी फार्म का एड्रेस बताएं। मेरा नाम सर रोहिता खुराना, मैं हूँ फाजिलका के 10 किलोमीटर दूर एक गुड़मी पिंड है जी, और बॉर्डर से हम लोग सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान बॉर्डर से। हाँ जी, पाकिस्तान सुलेमान की बॉर्डर से। अच्छा जी, अपना सर डेयरी फार्म कब शुरू हुआ था? ये सर 2012 में शुरू किया था हम लोगों ने। 2012 में शुरू किया? हाँ जी। अच्छा, 2012 में सर आपने कितने एनिमल से शुरू किया था? हम लोगों ने 18 एनिमल से शुरू किया था जी। अच्छा, हमारे पास 18 एनिमल थे और फिर हम लोग अपने ब्रीडर तैयार करते गए जी। हमने अच्छे क्वालिटी के सीमन भरा के मतलब इसको 70 तक ले गए हैं। अच्छा, 70 एनिमल है टोटल अब हमारे पास। अच्छा जी, तो उसमें से मिल्किंग गाय कितनी है और हीफर कितने हैं, बच्चे कितने हैं? मिल्किंग एनिमल 35 के करीब होंगे जी, और बाकी हीफर स्टार्टर ग्रोवर सब अलग अलग, कुछ 7-8 भैंसे भी बीच में होंगी। जब आपने सर डेयरी फार्म शुरू किया था जो आपके एनिमल जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ मस्त खुले हुए हैं, घूम रहे हैं, पूरे एंजॉय कर रहे हैं, तब आपको सीड कैसा बनाया था आपने? शुरुआत में ऐसा बनाया था? शुरुआत में सर ऐसे ही बनाया था। लगभग आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया था? तब हमने 18 लाख इन्वेस्ट किया था जी। 18 गायों से शुरू किया, 18 लाख इन्वेस्ट किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि शेड भी था ना तब। शेड भी था आपका, मतलब जब आपने शेड बनाया था हमने पूरी प्लानिंग कर लिया था कि लगभग इतना राउंड फिगर एनिमल रखने हैं। हाँ, कि 50 के करीब तब टारगेट था, 50 के करीब करेंगे। फिर आपका जो आगे वाला शेड है फिर इसको आपने बढ़ाया था या इस वाले? नहीं, उसके बाद में दूसरे वाला शेड बना था जी। दूसरे वाला शेड बना था। अच्छा, ये जो आपने सर लैंड है, लगभग कितनी लैंड है टोटल जो आपने डेयरी फार्म में लगा रखी है? ये जो डेयरी फार्म के अकॉर्डिंग लगी है 10 एकड़। 10 एकड़ डेयरी फार्मिंग करते हैं, उसके बाद साइलेज बनाते हैं जी। अच्छा, पहले इनका साइलेज डालते थे, फिर साइलेज का अच्छा काम लगा, फिर साइलेज बना के पैक करके वो भेजना शुरू कर दिया। अच्छा, तो जो पैकिंग करते हैं उसके बाद क्वालिटी वाला साइलेज बनाते हैं जी। उसकी डिमांड आनी शुरू हो गई तो वो फिर आगे काम बढ़ता गया जी। जैसे आपने बताया 2012 में अपना डेयरी फार्म शुरू हुआ था, साइलेज बनाना आपने कब से शुरू किया था? 2020 में जी। 2020 में लंबा गैप हो गया ना, मतलब 2012 से लेकिन डालते थे इनका पूरा कोश मतलब साइलेज पशुओं के लिए, तो 2012 से ही शुरू कर दिया था डालना साइलेज। अच्छा, पशुओं के लिए डालना शुरू कर दिया 2012 में। 2012 में, बट आपने जो मैन्युफैक्चरिंग साइलेज की यूनिट लगाई, हाँ, जो बेचने वाला काम किया वो 2020 में किया। मतलब मेन काम आपका डेयरी फार्मिंग का है या साइलेज बनाने का है? दोनों काम ही कर रहे हैं जी, डेयरी फार्मिंग जी चल रहा है और साइलेज भी बिक रहा है जी, हर स्टेट में जा रहा है। हर स्टेट में जा रहा है। लगभग साइलेज कितने एकड़ का आप स्टॉक करते हैं, मतलब कितना बनाते हैं? 70-80 एकड़ का स्टॉक कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो आपका भी काम चल जाता है और उसमें सेल भी कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो सर आपके पास गाय हैं कितने दूध वाली है, मतलब कितना दूध का उत्पादन करती है? ये 35 से लेकर 40, 42, 45, बस इससे ज़्यादा नहीं जाती, 42 लीटर। अभी आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे 10 लीटर 20 लीटर की बात हो रही हो। नहीं, तो हाई मिल्किंग अब 2012 से लेके अभी देखो ना, 2012 से लेके अभी 23 चल रहा है। अच्छा, तो इसके अंदर फिर ब्रीड इम्प्रूव होती 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 ये तो आगे 72-72 लीटर वाली भी गायें आ रही हैं, आपको पता ही है। वो तो बिल्कुल सही बात है, बट मेंटेन करना पालना ये बड़ी बात है। वो धीरे धीरे जिस काम में जाऊँ आपको लर्निंग होती जाएगी उस काम की। अच्छा, उस काम में सीखते जाओगे आप। क्या खिलाते हैं ये? इनको साइलेज देना पड़ता है जी, 40 किलो के करीब साइलेज देना पड़ता है, 10-12 किलो पट्ठा, 9-10 किलो तूड़ी और 9-10 किलो फीड, 2-3 किलो तूड़ी,
ये मिला के इनका पूरा TMR बन जाता है, ये खाती रहती हैं। TMR से आप खिलाते हैं या है? ये हाथ से सारा, मतलब मैनुअली चलता है सारा काम, मैनुअली चलता है। इस समय सर फीड पे आप क्या खिला रहे हो, मेन फीड की बात करें तो? मेड फीड दो तीन कंपनी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से फार्मूला बनवा के उसको ही तैयार करवाते हैं, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट आ जाते हैं, मक्की आ जाएगी, सोया, इसके अलावा जो दो तीन आइटम पड़ती हैं, सरसों की खल, बिनोले की खल, ऐसी वो TMR बन जाता है इनका फीड का, मिल्किंग के हिसाब से उनको दूध डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए 40 लीटर वाली गाय है जो आप तैयार करवाते हैं, कितने किलो डालते होंगे वो? उसकी फीड उनके पड़ जाती है 9 किलो के करीब, 9 से लेकर 10 किलो। अच्छा, 400 ग्राम पर 1 लीटर के पीछे एवरेज आ जाती है दूध की। अच्छा, लेकिन अपा फीड डालते हैं ये साइले से ना, इनका pH सही रहता है, नॉर्मल रहता है, और ये लंबे टाइम तक दूध देती हैं, इनको कोई प्रॉब्लम कम आती है। अगर ये लगातार इनकी डाइट में रहा ना साइलेज जी, तो उनको दिक्कत कम आएगी इनको। अच्छा। फीड का थोड़ा खर्चा ज़्यादा है जी, और उससे कुछ दिक्कत इनके रुमन में भी आ जाती है, लेकिन ये वाला साइलेज आप 40 किलो 50 किलो डालते रहो, इसके अलावा इनका कोई और तोड़ अभी बना नहीं जी साइलेज के अलावा। अच्छा सर, जो साइलेज आप बनाते हैं लगभग कितने रुपए का तैयार हो जाता है मिनिमम, मतलब पूरा बन के? जो अपा बेचते हैं वो बेचते हैं 6 रुपए के करीब जी। अच्छा, 6 रुपए पर किलो के हिसाब से, लेकिन अगर इनके लिए डालते हैं जो खड्डे में डालते हैं तो वो पड़ जाता है 4 रुपए के करीब जी, 2 रुपए का ऊपर खर्चा हो जाता है, क्योंकि आजकल ना मक्की का रेट है जो, वो डिपेंड करता है आपको किस मौसम में क्या रेट में मिलती है, उसी हिसाब से आपका समझ लो चलता है जी। अच्छा, ड्राई फोडर भी मुझे लगता है महंगा हो गया, सस्ता तो है नहीं हर चीज़, समझ लो ड्राई फोडर लाओ, ये लगाओ, चलो वो तो चल रहा है, दूध का रेट भी उसी हिसाब से चल रहा है। अच्छा, दूध का रेट भी बढ़ ही रहे हैं जी। सर आप डेयरी फार्मिंग में कौन सी मशीनरी यूज कर रहे हैं? डेयरी फार्मिंग में मिल्किंग मशीन है जी, बाकी इनका साइलेज बनाने वाली है, और बाकी सारा मैनुअली ये काम जी। सर जो अपना साइलेज रहता है, मतलब कैसे पैकिंग करते हैं, जैसे गट्ठा करके वहाँ वो एक क्वांटल की गाठ आती है जी, एक क्वांटल की गाठ हमें बना के वो भेजते हैं। ये फार्मर को ये बेनिफिट हो जाएगा कि अपना अगर 40 लीटर दूध लेते हैं तो उनको पता है अपने को कि ये वाली पशुओं को क्या क्या चाहिए, उसी हिसाब से अपना साइलेज बनाते हैं जी। अच्छा, उसी हिसाब से आप साइलेज बनाते हैं? हाँ, तो आगे कस्टमर को भी वैसे ही देते हैं आपा। अच्छा, तो लगभग सर अपने डेयरी फार्म में कितने मिल्क का प्रोडक्शन होता है? अपने डेयरी फार्म में अब 5 क्विंटल के करीब दूध होता है जी। 5 क्विंटल? हाँ, वो सारा शहर में सप्लाई होता है, सारे सप्लाई शहर में होता है। हाँ जी। किस रेट से जाता है वो? रेट में जाता है 48 रुपीस और 60 रुपीस। 48 और 60 रुपीस। HF गाय का बिक जाता है इतने में? हाँ जी, हाँ जी, 48। बढ़िया, लोग कहते हैं पानी रहता है दूध में, मतलब कि नहीं तो पतला रहता है, गाढ़ा ज़्यादा नहीं रहता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी, जो लगे हुए हैं 10-10 साल से लगे हुए हैं बंदे लगे हुए हैं, मतलब रिटेल होता है? रिटेल होता है पूरा दूध, रिटेल होता है या डेयरी में भी जाता है? ना, डेयरी में नहीं जाता जी, सारा रिटेल ही होता है। अच्छा, तो फिर अच्छा खासा पैसा बन जाता होगा? हाँ ठीक है, बीच में लग भी जाता है ना। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए अगर आपने 5 क्विंटल मिल्क सेल करते हैं, हम 50 के ऑन एवरेज पकड़ के चलते हैं, तो मतलब 25,000 का दूध हुआ पर डे का आपका, 7.5 लाख रुपए का होता है, और अगर मैं सालाना जोड़ लिया जाए तो 7 दाम का 70, लगभग मतलब 80 लाख रुपए के करीब, तो लगभग कितना खर्च हो जाता है डेयरी फार्म में और आपको कितनी इनकम हो जाती है? इसमें से 1/3 बच जाता है, बाकी सारा लग जाता है। मतलब 80 लाख रुपए कमाते हो और इसी में लगा देते हो, 1/3 का तो मतलब हुआ कि आप कितना हुआ जाके, 80 का मैं 50 करीब 60 के लगा लो, क्योंकि देखो इनका कोई मेंटेनेंस खर्चा है, कोई गायें बीमार भी हो जाती है किसी मौसम में, आगे 10-15 पशु एनिमल और भी आ रहे हैं जो इनके तैयार हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इनका फीड का हो गया, फोडर का हो गया, इनकी कोई इंश्योरेंस होगी, ये सारी चलती रहती हैं बीच में। कितने वर्कर हैं सर आपके पास? इस टाइम पे 4 हैं जी, 5 है वैसे तो। सर जो आप साइलेज सेल करते हैं, लगभग किस रेट से सेल करते हैं और कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं? ये मौसम का हिसाब होता है जी, जैसे मौसम पे रेट मौके पे डिसाइड हो जाएगा, हर स्टेट में जाएगा जी, जिस स्टेट में पशु रखे हुए हैं, क्योंकि पंजाब ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करेगा जी, क्योंकि जो पंजाब का पानी और जो इधर की एटमोसफेयर है ना, वो कहीं और स्टेट में नहीं है। सही है। और जो क्वालिटी इधर पंजाब प्रोवाइड करा सकता है वो कोई और स्टेट नहीं दे सकेगी।
सही बात है। अच्छा, तो साइलेज की इनकम अच्छी लगती है आपकी, डेयरी फार्मिंग की इनकम अच्छी लगती है? ये सर अपने अपने हिसाब से दोनों ठीक है जी, सभी मल्टीपर्पज़ टास्क है आजकल, खेत का इनकम भी आता है, इधर भी आता है, साइलेज का भी आता है, प्लस अपन आगे उसको बढ़ा देते हैं, फिर नया काम देख लेते हैं, उसके बाद कोई नया काम और कर लेते हैं। तो राउंड फिगर आप करोड़ के हिसाब का बिजनेस करते हैं? ये सर मामूली सी बात है आजकल, आजकल करोड़ रुपए मामूली सी बात है, मामूली सी बात है। इतना बिजनेस आप कर लेते हो? अच्छा, ये इससे सर आगे बढ़ेगा, आजकल करोड़ में बनता क्या है, करोड़ में बनता क्या है। अच्छा, तो सर नए यूथ है जो भटक रही है, परेशान है, मतलब अगर आज की डेट में देखा जाए तो डेयरी बिजनेस जो है ना बहुत घाटे का सौदा लोग बताते हैं और लोग करना कम चाहते हैं, ये देखो सर देना चाहते हैं? देखो सर, ये अपने करने का नज़रिया और सीखने का नज़रिया, काम तो कोई भी है ना वो घाटे का बन सकता है जी, अगर सही ढंग से ध्यान ना दो, सीखो ना, लर्निंग ना करो, बीच में एफर्ट ना डालो तो फिर वो, तो चाहे मुकेश अंबानी का भाई भी है वो भी आप देख लेना, एक अरबोपति और दूसरा दूसरा जीरो है, मतलब वो तो अपने काम पे डिपेंड है, सोच में और काम पे डिपेंड है कि आप किस काम को किस ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। हाँ, वो आप पे डिपेंड है ना। जी जी जी, सही कह रहे हैं, वो तो आपके सामने ही एग्जांपल है सारी। ओके, अगर वही बिजनेस आप उसको बड़े भाई को संभलवा दो तो वो उसमें से निकाल के दिखा देगा जी। सही है, वो डिपेंड करता है कौन कितना मेहनत करता है किस काम पे। अच्छा, उसको देखने का नजरिया आ जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सारी टॉपिकों में खुल के बात किया। ठीक है जी, धन्यवाद।